provide the output of given example based on a string operation. मिसेस एग्जांपल में जस्ट मैंने प्रोवाइड किया क्या है कैरेक्टर एरे डिक्लेरेशंस इज कैरेक्टर एरे के अंदर सबसे पहले फाइंड आउट करें हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इनिशियलाइज्ड. इस केस में मैंने कोई भी साइज प्रोवाइड नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट साइज क्या होगा नंबर ऑफ इनिशियलाइज्ड कैरेक्टर प्लस 1 क्योंकि स्ट्रिंग ऑलवेज टर्मिनेट किससे होते हैं नल कैरेक्टर से. इस केस में स्ट्रिंग का टर्मिनेशन किससे होगा एंड्स विद नल. वन मोर थिंग इस केस में मैंने मैन्युअली भी असाइन किया कराया स्लैश 0 स्पेशली यहां रखना है सिंबॉलिक फॉर्म में टोटल आपको सिंबल्स कितने विजिबल हो रहा 2 स्लैश एंड 0 लेकिन ये अपने आप में कंसीडर होगा मेमोरी लेवल पर स्टोर होगा एज अ सिंगल कैरेक्टर. इस टाइप से स्लैश एंड की बात करें और जितने भी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर सारे के सारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर ऑलवेज 2 सिंबल से मिलकर बने होते हैं लेकिन ये मेमोरी में कैरेक्टर्स कितने ऑक्यूपाई करते हैं ओनली 1 कैरेक्टर. सेम इस केस में स्लैश 0 इंटरनली कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा ओनली 1 बाइट. व्हाट इज द साइज ऑफ दिस स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस आपको ऑलरेडी पता है इंप्लिसिटली स्ट्रिंग एंड किससे हुआ नल कैरेक्टर. टोटल कैरेक्टर्स कितने साइन हुए इस केस में 10 कैरेक्टर 9 विजिबल कैरेक्टर 1 हिडन कैरेक्टर. मींस वन मोर केस इस केस में अगर स्ट्रिंग नल से टर्मिनेट हो रहा है ये टर्मिनेशन ओनली कब होगा अगर आपने कोई भी साइज प्रोवाइड नहीं किया देन ओनली एक्स्ट्रा बाइट ऑक्यूपाई होगा अदरवाइज कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं होगा. लेकिन उसके समय स्ट्रिंग टर्मिनेट किससे होता है अगर स्ट्रिंग के अंदर स्पेस अवेलेबल है उसके समय स्ट्रिंग टर्मिनेट होगा ऑलवेज विद नल कैरेक्टर. लेकिन उसके समय कोई एक्स्ट्रा बाइट्स रिजर्व नहीं होगा. क्लियर. जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने डिस्कस भी किया था रिलेटेड ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म क्या कराएंगे जस्ट मेमोरी एलोकेशन फॉर एरे ए. ए के केस में टोटल 10 बाइट्स प्रोवाइड किए इसलिए इसका साइज क्या होगा टोटल सिंबल्स कितने हैं 10 इसलिए बाइट्स भी एलोकेट करें टोटल 10 बाइट्स. दिस इज द एरे ए. नेक्स्ट वन से एरे ए के केस में एड्रेस क्या समथिंग 100 101 2 3 4 5 6 7 8 और 9. क्लियर. नेक्स्ट वन फर्स्ट केस में बात कर रहे हैं फर्स्ट केस में आसान क्या हुआ जस्ट कैरेक्टर ए बी सी डी ई. नेक्स्ट वन नल कैरेक्टर एफ जी एच यानी अगेन इंसर्शन क्या हुआ एंड में ऑल्सो नल. टोटली इसे स्ट्रिंग के अंदर अगर आप साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू करो इसका साइड स्पीकर आप साइज कितना प्रिंट होगा 10 बाइट्स. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू. नेक्स्ट इस केस में इंपॉर्टेंट केस क्या है जस्ट प्रिंटेड में पास किया मैंने जस्ट ई तो ए के प्लेस पर या ए क्या है इस केस में नेम ऑफ दिस स्ट्रिंग और नेम ऑफ एरे. एरे नेम के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस किया जाएगा एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है डायग्राम के अकॉर्डिंग 100. देन प्रिंट एफ इमीडिएटली किस प्लेस से डेटा को रीड करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम 100 लोकेशन ऑनवर्ड्स. तो 100 लोकेशन में जैसे डेटा रीड होगा प्लस 100 लोकेशन के बाद राइट मोस्ट जितने भी बाइट्स हैं सभी बाइट्स तब तक प्रिंट होंगे जब तक फर्स्ट नल ऑकरेंस फाउंड नहीं होता. क्लियर. देखा जाए तो इस स्ट्रिंग में टोटल नल कितने ऑकर हुए 2 नल 1 एक्सप्लिसिट एंड अदर इम्प्लिसिट. लेकिन इसके साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या आपने मैनुअली इंसर्ट कराया इम्प्लिसिटली इंसर्ट हुआ है. मीन्स स्ट्रिंग के केस में सारे के सारे ऑपरेशन किसके बेसिस पर परफॉर्म होते हैं. स्ट्रिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस है वाटिद गिवन एड्रेस. मीन्स आपने क्या एड्रेस पास किया प्लस इस एड्रेस के जस्ट बाद फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ नल कैरेक्टर. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. इन दैट केस जस्ट सप्लाई क्या किया 100 तो इसके साथ प्रिंट एफ फंक्शन डेटा किस प्लेस रीड करेगा फ्रॉम 100 लोकेशन ऑनवर्ड्स. क्लियर. 100 में नल फाउंड हुआ क्या नहीं ये फाउंड हो रहा है देन सिंपली ये प्रिंट क्या करेगा ए. नेक्स्ट केस में सेकंड बाइट रीड होगा सेकंड बाइट में भी अगेन क्या नॉट नल मीन्स बी अगेन क्या डिस्प्ले हो जाएगा बी. नेक्स्ट बाइट में क्या फाउंड हो रहा सी सी इज नॉट नल अगेन प्रिंटेड. नेक्स्ट वन डी डी इज नॉट प्रिंटेड सॉरी डी को भी डायरेक्टली प्रिंट करेगा देन ई. देन ई के जस्ट बाद क्या फाउंड हो रहा है नल कैरेक्टर. जैसे ही नल का पोजिशन फाउंड होगा देन इमीडिएटली रीड करना स्टॉप कर देगा. मीन सिंपली इस केस में मैसेज क्या प्रिंट होगा ओनली ए बी सी डी ई. नेक्स्ट वन इस केस में देखा जाए तो नल के जस्ट बाद अगेन कैरेक्टर्स अवेलेबल है लेकिन प्रिंट एफ के पास इसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता. प्रिंट एफ या कोई भी फंक्शन ऑपरेशन कब तक परफॉर्म करेगा टिल द ऑकरेंस ऑफ फर्स्ट नल कैरेक्टर. क्लियर. नेक्स्ट वन सेकेंड केस में अगेन क्या पास किया ए प्लस टू तो ए के प्लेस पर अगेन क्या रिप्लेस होगा इस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस विच इज 100 100 प्लस टू. 100 किस टाइप का एड्रेस है कैरेक्टर टाइप इसलिए इंक्रीमेंट कितने से होगा ओनली 2 से.
नेक्स्ट वन, इस बार printf में फाइनली पास किया रहा है एड्रेस 102, मीन्स 102 के रिस्पेक्ट में printf फंक्शन डेटा किस प्लेस से रीड करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम 102 ऑनवर्ड्स, मीन्स इससे पहले कितने कैरेक्टर डजंट मैटर, नल के बाद कितने कैरेक्टर्स हैं डजंट मैटर, मीन्स सिंपली ऑपरेशन कहां से कहां तक परफॉर्म होंगे फ्रॉम गिवन एड्रेस टू अप टू फर्स्ट पोजिशन ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द नल कैरेक्टर। तो एड्रेस क्या था इनके केस में 102, तो फर्स्ट टाइम वेरियबल मीन्स फर्स्ट टाइम कैरेक्टर किस प्लेस रीड हुआ फ्रॉम 102 लोकेशन ऑनवर्ड्स, क्लियर। 102 में क्या फाइंड हो रहा, सी, सी इज नॉट नल देयर दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटेड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट बाइट में क्या फाइंड हो रहा, डी, देन अगेन डी इज नॉट नल दैट्स व्हाई प्रिंटेड। नेक्स्ट वन ई, देन नेक्स्ट टाइम प्रिंट किया जाएगा जस्ट कैरेक्टर ई, ई के जस्ट बाद क्या फाउंड हो रहा है नल कैरेक्टर, जैसे इस केस में नल कैरेक्टर फाउंड हुआ था ना इमीडिएटली रीड करना स्टॉप कर देगा, मीन्स फर्स्ट केस में सेम स्ट्रिंग ए के लिए प्रिंट किया हुआ था ए बी सी डी ई, सेकेंड केस में सेम स्ट्रिंग के लिए प्रिंट किया रहा ओनली सी डी ई, क्योंकि प्रीवियस केस में फर्स्ट केस में एड्रेस किसका पास हुआ था ए का विच इज हंड्रेड, लेकिन करेंट केस में एड्रेस किसका पास हुआ सी का, इसलिए रीडिंग भी किस प्लेस से स्टार्ट हुआ फ्रॉम सी ऑनवर्ड्स, मीन्स स्ट्रिंग के केस में सारे के सारे ऑपरेशन हमेशा गिवन एड्रेस से स्टार्ट होंगे, प्लस ये ऑपरेशन कब तक अप्लाई होंगे, अब तक अप टू फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ नल कैरेक्टर, क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट केस में पास क्या किया इस केस में, वन मोर थिंग्स पुट्स, मीन्स इससे जस्ट पहले मैं एक और प्रिंट एफ राइट डाउन कर रहा हूँ, इस केस में प्रिंट एफ अगेन परसेंटेज, एवरी टाइम मैंने स्लैश एन यूज किया इसलिए लाइन चेंज हुआ, देन स्लैश एन, देन इस केस में जस्ट मैंने पास किया ए प्लस सेवन, क्लियर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इन दैट केस, ए प्लस सेवन के केस में जस्ट ए के प्लेस पर अगेन क्या रिप्लेस हुआ, जैसे एरे के मीन्स ए क्या है एरे नेम, और इसे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है अगेन हंड्रेड, तो ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे हंड्रेड, हंड्रेड प्लस सेवन बिकम्स 107, तो फाइनली डेटा किस प्लेस रीड होना स्टार्ट होगा फ्रॉम 107 लोकेशन ऑनवर्ड्स, मीन्स स्ट्रिंग के केस में अगर मेमोरी एलोकेशन वाइज बात करें तो स्ट्रिंग का मेमोरी एलोकेशन किस प्लेस से स्टार्ट हुआ फ्रॉम 100, लेकिन इस प्रिंटएफ के अंदर एड्रेस किस लोकेशन का पास हो रहा है 107, इसलिए प्रिंटएफ फंक्शन डेटा भी किस लोकेशन से रीड करेगा फ्रॉम 107 लोकेशन ऑनवर्ड्स, क्लियर। और 107 लोकेशन में फाउंड क्या हो रहा है कैरेक्टर जी, देन इसके जस्ट बाद डेटा किस प्लेस पर रीड हुआ ऑन द नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट बाइट में क्या अगेन एच एंड एच प्रिंट हुआ, नेक्स्ट बाइट में क्या फाउंड हो रहा है नल कैरेक्टर, देन अगेन रीड करना स्टॉप कर देगा, तो थर्ड प्रिंट एफ के केस में ओनली मैसेज क्या प्रिंट हुआ ओनली जी एंड एच, क्लियर। दिस इज द बेसिक बिहेवियर ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशंस, मीन्स स्ट्रिंग के केसेस में अगेन मैं आपको फोकस करूंगा, मीन्स स्ट्रिंग के ऑपरेशन हमेशा गिवन एड्रेस से ऑलवेज स्टार्ट करोगे, प्लस ये ऑपरेशन से अप्लाई करता हूँ अप टू फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ नल कैरेक्टर, मीन्स प्रीवियस केस में फर्स्ट ऑकरेंस कहाँ फाउंड हो रहा था 105 में, लेकिन करंट केस में फर्स्ट ऑकरेंस किस प्लेस पर फाउंड हुआ 109। नेक्स्ट वन पुट्स, पुट्स के रिस्पेक्ट में जस्ट पास क्या किया है अगेन ए, तो ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा ए का बेस एड्रेस विच इज 100, तो अगेन जिस टाइप से प्रिंट एफ फंक्शन गिवन एड्रेस से डेटा रीड करके प्रिंट करना स्टार्ट कर रहा था, सेम है पुट्स फंक्शन का भी वर्किंग क्या प्रिंटिंग स्ट्रिंग फ्रॉम गिवन एड्रेस ऑनवर्ड्स, तो एड्रेस क्या पास किया इस केस में 100, पुट्स फंक्शन भी डेटा किस प्लेस रीड करेगा फ्रॉम 100 में फाउंड क्या हो रहा है कैरेक्टर ए, देन ये कब तक प्रिंट करेगा ऑन द राइट पोजिशन जब तक नल कैरेक्टर फाउंड नहीं होता बी, नेक्स्ट टाइम सी, सिमिलरली डी एंड ई, ई के जस्ट बाद क्या फाउंड हो रहा नल, देन ये रीड करना स्टॉप कर देगा, प्लस पुट्स फंक्शन ऑटोमेटिकली लाइन चेंज करता है, इसमें आपको स्लैश एन लगाने की जरूरत नहीं, मीन कंट्रोल ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा ऑन द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट में प्रिंट एप, प्रिंट एप का जस्ट बिहेवियर क्या बताया था, प्रिंट एप के अंदर किसी भी टाइप के एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करना पॉसिबल है, बट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट शुड बी स्ट्रिंग टाइप, ये सब प्रिंट एप में आप स्ट्रिंग डायरेक्टली पास करो या स्ट्रिंग किसी वेरिएबल में स्टोर करा के पास करो, दोनों की मीनिंग कैसे सेम, मीन्स इस केस में ए इटसेल्फ क्या है स्ट्रिंग, इस प्लेस पर ए के प्लेस पर अगेन क्या रिप्लेस होगा 100, और प्रिंट एप डेटा किस प्लेस रीड करेगा अगेन 100 ऑनवर्ड्स, कब तक अप टू नल, तो इस केस में अगेन क्या डिस्प्ले हो जाएगा फ्रॉम ए टू ई, मीन्स ए बी सी डी ई, दिस इज द जनरल बिहेवियर ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशंस इन सी लैंग्वेज।